नमस्ते साथियों, मेरा नाम शबनम है। मैं वाराणसी जिले से हूं और पिछले 10 सालों से सामुदायिक मुद्दों पर वीडियो फिल्म बनाकर समुदाय के सहयोग से बदलाव लाने का प्रयास करती हूं। ऐसी ही एक बदलाव की कहानियां आपके सामने लेकर आई हूं, जो कि वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के सिंहपुर का मामला है, जहाँ पर शारदा बनवासी जागरूक व समझदार होने के कारण अपनी बच्ची की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने पर किए। जब उन्होंने कुछ अच्छा करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश की तो उन्हीं के समाज के द्वारा उन्हें तरह तरह से प्रताड़नाएं दी गई। उनकी बच्ची को ये कहकर प्रताड़ित किया गया कि इनकी दूसरी शादी है और उन्हें अनेकों प्रकार की यातनाएं दी गई, जिस समस्या पर मैंने एक वीडियो बनाई। 18 साल में शादी कर ली तो वो लोग के का समझ में आवा था कि जनतन की दूसरी जगह कह के दोबारा हमारी क्या कह लें हुआ, एक नाते हमारे लड़की के बड़ी बड़ी दुर्गत करत हुआ, यह तकलीफ हो। गाड़ी ना दे लगन, दहेज के बारे में के मारत पीटत हुआ, घर में से निकालत हुआ, जहर घोर के देत हुआ, और तन से मट्टी के तेल छिर के फूके जात हुआन। कर्जा लेकर शादी कैले बहन हम लोग के एक कमाइया। जिस समस्या पर मैंने एक वीडियो बनाई और वीडियो को बनाने के बाद समुदाय के साथ मीटिंग स्क्रीनिंग का आयोजन किया और एक आवेदन पत्र तैयार कर समुदाय के साथ थाने पर जाकर आवेदन डाला गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन के सहयोग से, स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से लड़के पक्ष पर दबाव बना और उन्हें संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया गया। बच्ची के हक व अधिकार को बतलाया गया, तब जाकर दोनों परिवारों में सुलह समझौते से लड़की की विदाई हुई। आज लड़की अपने परिवार में सुखमय तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। वो लड़की को मेटर रहा, लड़की को मेटर रहा, ओकर माला ब्याह शादी कर ली। ओकरे बाद में ओकरे घर वाले ओकर शिकायत करे लगने, घर वाले शिकायत करे लगने के कई दुआ लड़की है, दुआ के संगे शादी भइल है। ओकरे बाद जन तन कहा के रखबन करब। पहले समझता रह रही है लड़की के बारे में कि विदाई भी ना होत रहे, दुआ बना के छोड़ले रहने, तो वह बहन जी के बोलौली तो अथुआ रे ये बात विचार भयल, भट्ठे पर गईली, भट्ठा पर तो वहाँ से बात विचार भयल, तब विदाई मंगलन, तो विदाई कैली, तब अच्छे से ले ले हैं। दीदी है समस्या रह लोन, मारत पीटत रहन है, दहेजे के बारे में फांसी लगावत रहन है, तेल छिड़क के फूके जात रहन है, और तन थुआरे दू चक्का मांगत रहन है हमारे मम्मी पापा से। कैसे विदाई भल बाबा? अब आप अलू यहाँ, यहाँ बेडियो बनौलू, बेडियो बना के तक दरखास्त बनल, दरखास्त बना के थाने पे दिया, थाने से तब जनतन की पुलिस आई, तब जनतन की वह भट्टा पर गल गल, भट्टा भट्टा मालिक के जनतन चाप लगल, तो भट्टा मालिक के मामला के हल कैले, साफ हल कैलू। हम हमारे ससुराल अलू, अल के बाद फिर 10 लोग बैठलन, फिर अथवा एक वीडियो बनल, मेरी सास ससुर गए थे लिए बदे, मैं आए थे बहुत हंसी खुशी से है। मैं अब कोई समस्या नहीं है, बढ़िया साथ हुआ बा, सही सलामत से लड़कियों बा, अपनों बाहिन एकदम खुशी मन से। हाँ अब खुश हैं, उनकर परिवार भी खुश हैं, परानी उनकर छोड़ता ना है, एकदम दोनों जने कायदे के हैं। बहन जी अब तो के सबके ना हमने बोलौले हुई थे, हमारे अथुआरे तो ना ऐसे ही ठोकरी आती रहती है हमार बहनी। मैं चाहती हूँ साथियों कि ऐसे ही अपने कैमरे के माध्यम से हक वंचित समुदाय की अनसुनी समस्याओं को उठाती रहूं और उस पर बदलाव लाती रहूं। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं शबनम, जनपद वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।